बुरहानपुर में एक अनोखी बारात देखने को मिली, जहां ना तो यहां कोई दूल्हा था ना ही दुल्हन, मगर बग्गी और बैंड बाजे के साथ सड़क पर बाराती जाते नजर आए। आखिरकार यह दूल्हा दुल्हन नहीं थे तो फिर किसके साथ थे ये बारात के लोग? जब पता किया गया तो मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल में एक कर्मचारी विनय पूनीवाला है, जिनकी विदाई बैंड बाजे और बग्गी के साथ विभाग के कर्मचारियों ने की। बुरहानपुर जिले का एक ऐसे कर्मचारी जो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में कार्यरत रहते हुए 39 साल बिताए, नौकरी से रिटायर होने के बाद विभाग ने बैंड बाजे और बग्गी में दूल्हा दुल्हन की तरह सजाकर घर भेजा। इस विदाई समारोह में बराती बने विभाग के कर्मचारी अधिकारी और बराती बने परिवार के लोग, जिन्होंने बराती बनकर विभाग ने बैंड बाजे और बग्गी के साथ में बैठकर घर तक छोड़ने गए। वहीं जब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी वी के मालवीय से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 39 साल नौकरी करने के पश्चात और इनका व्यवहार कुशल होने के कारण सभी विभाग के कर्मचारियों ने इन्हें आज खुशी खुशी विदाई दी है, मगर बग्गी में बैठते ही विनय पूनीवाला के आंखों से आंसू आने लगे और वह भावुक हो गए। जब इस संबंध पर विनय पूनीवाला से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि बैंड बाजा और बग्गी के साथ विदाई लेना मेरे लिए एक तमन्ना थी जिसको आज विभाग ने पूरा किया, अब आने वाले जीवन परिवार के लिए और बच्चों के लिए समर्पित होगा। बात का रहेगा कि मेरे जो इतने साल के मित्र यहाँ पर डिपार्टमेंट में अधिकारी मित्र सब ये मुझसे बिछड़ रहे हैं। नौकरी में ऐसा रहता था प्रतिदिन मिलते थे लोग, लेकिन अब ऐसा है मिलेंगे सही लेकिन उतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, वो भी मेरे उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। आज जिस तरह से आप यहाँ पर जो है अपने दुल्हन के साथ जो है बग्गी में बैठ कर इसे किस रूप में देख, एक तमन्ना थी मैं जिसको मैंने अभी पूर्ण कर ली। अच्छा, अब इसके आगे मेरे को सोचा था कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तब आने वाले बच्चों के लिए अपने को करना है तो इसके बाद बच्चों का ही काम है, तो फिर अपन एक बार अपना खेल इसलिए बैंड बाजा के साथ दफ्तर पहुंचे और यहाँ से वापस भी जाएंगे। और सबसे ज्यादा बात नहीं अधिकारियों को सपोर्ट बहुत ज्यादा, इसलिए हर चीज करने की हिम्मत है। आज हमारे बीच से पूनीवाला जी विदा ले रहे हैं, काफी अनुभवी व्यक्ति है और आज हमारे बीच से एक अनुभवी व्यक्ति जा रहा है तो निश्चित रूप से कार्यालय में इनके जाने से जो रिक्तता आएगी उसको पूर्ति कर पाना संभव तो नहीं है, लेकिन समय समय पर इनकी सेवाएं हमने जैसे अभी इनसे कमिटमेंट करवाया है कि ये आकर हमें सहयोग करेंगे, साथ ही मैं आज इस विदाई की बेला पर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बताइए स्वस्थ रहे। यहाँ पर आपने एक आश्चर्य और देखा होगा कि जिस तरह से जो है दूल्हा अपने ससुराल में जाता है और दुल्हन लेकर के आता है, उसी तरह से आज यहाँ पर आपने बारात भी देखी होगी जिस तरह से आज यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, आज जो है एक नए जीवन में पुनः ये प्रवेश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जो सेवा में रहते हुए जो इच्छाएं आदमी पूरी नहीं कर पाता है और आज रिटायरमेंट के बाद मैं चाहूंगा कि जैसे शादी के बाद आदमी सोचता है कि अब मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, तो उस प्रकार से आज जो माहौल है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।